अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको ठीक रखे, खुश रखे और अपने हिफ्ज ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज ही मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने कुछ ड्रेसेस, और जो है ना, अब आप देखिएगा आपको कैसे लगते हैं या आप बताइएगा, लेकिन मुझे तो बहुत प्यारे लगे हैं क्योंकि मेरी जो मामा हैं उन्होंने मुझे सिलाई करके भेजे हैं। तो खैर, मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो आप लोगों ने अब बताना है कैसे हैं ड्रेसेस, और जब आप वीडियो देख लेंगे कॉमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अभी आप पहला काम करें चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और लास्ट वाली मेरी जितनी भी वीडियोस हैं आप जाके वॉच कर लें जिसने भी अभी तक नहीं देखी। तो ये है फर्स्ट ड्रेस। अच्छा, ये बहुत ही प्यारा ड्रेस है और मैंने ये कलर पहले कभी भी नहीं पहना, फर्स्ट टाइम पहनूंगी, और बहुत ही प्यारा सिलाई हुआ है। और इस तरीके से इसके ट्राउज़र पे जो है वो सारी डिज़ाइनिंग की है लेस से, और आगे गले पे भी जो है वो लेस लगाई है, और बकाया ड्रेस पे भी छोटे छोटे। तो आ जाते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। मेरी बातों में जो है ना वो पूरा सूट फर्स्ट वाला निकल गया। तो ये ब्लैक और ब्राउन कलर का सूट है, और ये मुझे मेरी फूफो ने गिफ्ट किया था जब मतलब मैं आ रही थी सऊदी अरेबिया, तो ये सिलाई करने के लिए मैं वहीं पर छोड़ाई थी। और इसका जो ट्राउज़र है वो बिल्कुल सिंपल सा बनाया है, और इसके नीचे छोटी जो है ना वो लेस लगाई है। मेरे ख्याल से क्लिप्स जो है ना वो मेरे थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं, इसलिए सॉरी, इग्नोर करिएगा इसको। तो अभी मैं आप लोग को जो है ना पूरा ड्रेस खोल के दिखाती हूँ। तो ये इसके ऊपर बाजू बने हुए हैं। तो मैं अब आपको एक बात बताती हूँ कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि मेरे इस तरह के डिज़ाइन बनवाए, इस तरह के डिज़ाइन बनवाए, और मैंने कभी टेलर से कपड़े सिलवाए भी नहीं, बहुत कम सिलवाया। मतलब जैसे शादी वगैरह होती है, फैंसी ड्रेस वगैरह होते हैं, तो वो टेलर से जो है स्टिच करवाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर ड्रेस जब से स्टार्टिंग से जो है ना सारे ड्रेसेस मेरी मामा ही सिलाई करके जो है ना वो मुझे देती हैं। और ये इस तरीके से इसका गला बना था, ये मैंने एक देखा था स्टाइल तो मुझे बहुत प्यारा लगा था, मैंने उनको बताया था कि इस तरीके से आप मेरा गला बना दीजिएगा। तो खैर, उन्होंने बना दिया। और ये इसका बिल्कुल नीचे जो है वो है दामन घेरा, जो भी बोलते हैं ना वो, और इसके बाजू भी जो है ना वो इस तरीके के बने हुए हैं। और ये कलर बहुत प्यारा है, ये कलर भी मैंने पहले नहीं पहना, ब्लैक पहना है लेकिन ब्लैक के साथ ब्राउन कंट्रास्ट नहीं पहना। तो ये सूट भी बहुत ही प्यारा है और बहुत ही खूबसूरत है। तो इसके बाद जी यहाँ पर इस ड्रेस के ऊपर तो तफसील से बात होगी, लेकिन जो फर्स्ट वाला ड्रेस था उसके ऊपर मेरी बिल्कुल भी बात नहीं हुई, वो मैं बस जल्दी जल्दी से बोलती आ रही हूँ। और उसके बाद जी मैं आपको थर्ड नंबर का ड्रेस दिखाती हूँ। ये ड्रेस मेरा नहीं है, ये ड्रेस भाभी का, और इस सूट का डिज़ाइन और उस सूट का डिज़ाइन दोनों आपस में सेम है। इसका जो वो है दामन का, मतलब घेरे का जो डिज़ाइन है वो भी सेम उसी सूट की तरह का ही है। और अच्छा जी, अब आप देखेंगे कि ये किस तरीके से सूट दिखा रही है ना, मतलब नीचे लिटा के और क्या करने लगी हुई है ना। तो क्योंकि मेरे एक हाथ में जो है वो मोबाइल था और दूसरे हाथ से मैं सारे ड्रेसेस खोल खोल के रख रही थी और आपको दिखा रही थी, तो इसलिए जो है ना आपने कोई बातचीत नहीं करनी, आपने वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। और ये देखें, इसके बाजू भी सेम इसी तरीके से बने हुए हैं, और इसका कलर जो है वो मस्टर्ड और ब्लैक है। बहुत ही प्यारा ड्रेस है, ये भी बहुत ही प्यारा सिलाई हुआ हुआ है। और इसका जो ट्राउज़र है वो बिल्कुल सिंपल है, सिंपल सी कैप्री बनी हुई है। और ये वाला ड्रेस पता नहीं किससे स्टिच करवाया था, और ये ड्रेस भी बहुत प्यारा है। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट ड्रेस पे, और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा है, ये बहुत यूनिक सा कलर है, ये भी मस्टर्ड कलर है। इसका जो गला है ना वो बहुत प्यारा बना है, और ये मेरी मम्मा ने सिलाई नहीं किया। तो यहाँ जी स्टार्ट, इसकी जो शलवार है वो प्रिंटेड है, और इस तरीके से जो है ना मतलब इसके गले के ऊपर इस तरीके से डिज़ाइनिंग हुई हुई है। तो ये बहुत प्यारा है। मैं यहाँ से वीडियो के अंदर जो है ना थोड़ा सा कलर वो नहीं आ रहा जो कि मतलब हकीकत में आ रहा है। तो जी ये थी मेरी वीडियो जो है ना, अगर आप लोग को अच्छी लगी होगी ना तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है। पता नहीं भाई क्यों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कॉमेंट नहीं करते, आते हैं बस जल्दी से वीडियो देखते हैं, कोई लाइक कर जाता है कोई नहीं लाइक करता, पता नहीं क्या चक्कर है। और जो है ना मतलब ना ही जो है ना मतलब चैनल ग्रो हो रहा है ये वो, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा, मेहनत करते रहनी चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगा। और ये जी इसका ट्राउज़र है, और ये भी बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। वैसे मुझे प्रिंटेड ट्राउज़र जो है ना पर्सनली तौर पे मुझे बहुत पसंद है। कुछ लोग को प्रिंटेड शलवारें पसंद नहीं होती, वो बिल्कुल सिंपल शलवार जो है ना वो पसंद करते हैं, शलवार ट्राउज़र जो भी हो गया, लेकिन मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसकी जो बैक है वो इस तरीके से बनी हुई है। तो मैं अब आपको बता दूँ कि ये सारे सूट मेरे नहीं हैं, इसके अंदर से कुछ सूट मेरे हैं, तीन मेरे हैं, और बकाया सूट भाभी के हैं। तो हम लोग के अभी पाकिस्तान से जो है ना स्टिच होके आए थे, तो मैंने कहा चले मैं आपको वीडियो बना के दिखा देती हूँ। और
इसके बाद जी ये दो ड्रेसेस आ जाते हैं जो कि मतलब ना आम शाम घर पे पहनने के लिए होते हैं और इसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग नहीं, लेकिन इनके जो वो है ना मतलब प्रिंट कहते हैं वो बहुत प्यारा है। एक ग्रीन कलर में है और एक जो है ना मतलब रेड कलर में है। मेरे ख्याल से मेरे से जो क्लिप है ना वो आगे पीछे फिर से एक और हो गया है, तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को आगे जाके भी दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से ड्रेस है। इसका जो ट्राउज़र है ना वो भी बिल्कुल सिंपल है और बहुत प्यारा सूट है ये, बहुत प्यारा। कैमरे में जो है ना मतलब आपको कलर थोड़ा वो लगता है, लेकिन जो है ना प्यारा आ रहा है कलर इधर भी, और वैसे भी कलर बहुत प्यारा है। तो जी हम बात कर रहे थे सब्सक्राइब करने की, तो जी आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, मैं बार बार आप लोग को याद करवा रही हूँ। और अभी वाकई में मेरे से क्लिप जो है ना वो हो रहा है, तो अब जी टाइम आ गया, सारे सूट खोल शोल के मैंने रख दिए थे आप लोग के साथ शेयर करने के लिए, तो अब मैंने कहा साथ ही साथ इनको जो है ना मतलब तय करके भी रख देती हूँ आप लोग के सामने, और जो हैंगर करने वाले हैं उनको हैंगर कर देते हैं, और फिर इसी के बाद साथ साथ जो है ना हम लोग अपनी वीडियो का एंड भी कर देंगे। और ये हैंगर करने वाले हैं इनको हैंग कर देंगे। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी ये वाला लास्ट क्लिप रह गया था, मैंने ऐड करना भूल गई थी, और मैंने कहा चले मैं आपके लिए जो है वो लास्ट पे ऐड कर देती हूँ। जो इतने सारे क्लिप हों तो उनके अंदर से जो है ना वो एक दो भूल ही जाता है ऐड करना, तो ये मैंने पहले ऐड करना था, लेकिन कोई बात नहीं मैंने लास्ट पे ऐड कर दिया। और वो वाला ड्रेस मैंने आपको दिखा दिया, ये भी बिल्कुल सिंपल सिलाई हुआ हुआ है और ये भी बहुत प्यारा ड्रेस है और इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा है। और पहले मैं आपको शर्ट दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका ट्राउज़र दिखा देती हूँ। और अगर आपको मेरी छोटी सी ये ड्रेसेस की वीडियो पसंद आई हो तो आपने ज़रूर इनको लाइक करना है और कमेंट भी करना है और बताना भी ज़रूर है। अच्छा बड़ी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है ना, मतलब अगर आपने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा और दूसरे हाथ से वीडियो बना रहे हो तो सीरियसली बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। और क्योंकि मेरा ट्राइपॉड था और मैं पाकिस्तान में छोड़ आई थी और अभी तक मैंने यहाँ से आके न्यू बाय नहीं किया, इंशाल्लाह बहुत जल्दी कर लूँगी और फिर ये है कि वीडियो बनाना आसान हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।